आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए कमाल की गर्मा गर्म खबरें आज भी आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो फटाफट से आज की टेक्निक शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। एप्पल जो कंपनी है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हाल में, क्योंकि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है चीन में फॉक्सकॉन, ये जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही है एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं स्पेशली प्रो मॉडल्स, ये जो मॉडल्स है उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। 60 लाख यूनिट्स को कम बनाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है फॉक्सकॉन की ओर से, और ये जो है वो बहुत ही चिंताजनक बात है एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल की जो 14 सीरीज की डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और वो भी स्पेशली प्रो मॉडल्स को लेकर। हालांकि फॉक्सकॉन कंपनी में काम करने वाले 20,000 वर्कर्स ने रिजाइन रख दिया है, यानी इस्तीफा रख दिया है, और अब वो बोल रहे कि हम काम नहीं करेंगे, हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहां पे कोरोना का कहर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रोकटोक की जा रही है, बहुत ही ज्यादा बंदिशें लग रही है। तो इस बात से जो वर्कर है वो भी नाखुश है, और वर्कर को रोकने के लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1,47,000 का बोनस दिया जा रहा है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो पाए और जो एम्प्लॉयज है वो जॉब छोड़ के ना जाए। तो इस परिस्थिति से अभी एप्पल गुजर रहा है। इस साल एप्पल के शेयर में भी 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। आई होप ये जो भी जितनी परेशानी आ रही है एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। कोरोना के कहर से थोड़ी बहुत राहत मिली थी सभी देशों को, पर अब यूएस यानी जो अमेरिका है उसको बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक एवियन फ्लू करके वायरस जो है वो दाखिल हो चुका है, और ये जो वायरस है उसके वजह से 50.54 मिलियन पक्षियों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में ये सबसे खतरनाक फ्लू आया हुआ है जिसने इतने सारे पक्षियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये जो वायरस है अभी फिलहाल पक्षियों को शिकार बना रहा है, और कहा जा रहा है कि अभी ये इंसान पर लागू नहीं हो रहा है, पर अगर ज्यादा संपर्क में रहते हम पक्षियों के तो ये हम पे भी लागू हो सकता है। तो इस बात का याद रखना है, अगर यूएस में कोई भी रहता है आपका कोई रिलेटिव वगैरह तो बता दे कि ज्यादा से ज्यादा पक्षियों से अभी फिलहाल दूर रहे, इसमें ही सावधानी है। आई नो ये टेक के बाहर की खबर है, बट मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपको शेयर की। मीवी, इन्होंने मॉडल ई स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है। अगर इसी स्मार्ट वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.69 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही इसमें आपको SPO2 मॉनिटरिंग मिल जाएगा, IP68 रेटिंग मिल जाएगी, 120 प्लस स्पॉट्स मोड मिल जाएंगे, 50 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छी बात है, और मैटलिक फ्रेम के साथ आने वाली। तो ये जो स्मार्ट वॉच है अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये लॉन्च की गई है 1299 रुपए में फ्लिपकार्ट पर। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो 1 दिसंबर से खरीद पाओगे दोपहर के 12 बजे से। अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम की है, बजट के अंदर आ जाती है, सेट हो जाती है, तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो 1 दिसंबर को। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता है, और अब कहा जाए कि व्हाट्सएप पर हमें फॉरवर्ड मीडिया विद कैप्शन वाला एक नया फीचर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, जहां पे अगर आप इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया उसको कैप्शन के साथ शेयर कर पाओगे, और ये जो फीचर है फिलहाल iOS के लिए आ चुका है, बहुत सारे लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। तुरंत जाके WhatsApp का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो और चेकआउट करके बताओ कि आपको ये जो अपडेट है वो मिला है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बताओ। काम डील की बात करें तो अगर आप एक टीवी लेने के लिए सोच रहे हो कम बजट में, यानी 32 इंच का टीवी, तो ये जो डील है वो आपके लिए काम करने वाली है। सैमसंग के तरफ से आने वाला सैमसंग का 32 इंच का एक स्मार्ट टीवी, जिसमें आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर पाओगे, और ये जो फिलहाल टीवी है वो 2022 के सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है, और ये टीवी अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पर बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाता है। ये टीवी की नॉर्मल डेज पर प्राइस 15,000 से ज्यादा होती है, पर ये फिलहाल अभी आपको 13,500 रुपए में मिल जाएगा, काफी बेहतरीन डील है, और उसमें भी अगर आपके पास सिटी बैंक का कार्ड है तो उस पर आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जो ऑफर है वो बहुत ही किलर है, अगर आपको चाहिए एक ब्रांड का सबसे बेहतरीन टीवी वो भी कम बजट में, तो आप जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज की टेक्निक सब खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।